আনন্দবাবু? Yes, sir. আনন্দবাবু, আচ্ছা আপনি কেমন আছেন এখন? ভালো, একদম ভালো, ফার্স্ট ক্লাস লাগছে। ফার্স্ট ক্লাস। আচ্ছা, আপনার প্রবলেমটা ছিল ওএসএ, অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া। হ্যাঁ, সবসময় ঝিমুনি আসতো, রাতে নাক ডাকতো। ম্যাডামের এক্সপিরিয়েন্সটা, ওনার এক্সপিরিয়েন্সটা আপনি শেয়ার করুন। মানে জব ভি উনকো হর সময় স্লিপি ফিল হতা রাতা থা, নিন্দ আতি রাতি থি, জব কবি ভি বোল দো সোনে কে লিয়ে তো সো জায়েঙ্গে, এনার্জি লেস, এনার্জি লেস থা, ফটিগ বহুত জ্যাদা, হর সময় থকান, লেজিনেস রাতি থি। उसकी वजह से मतलब कभी ऐसा फील नहीं। रात में घूमने नींद के टाइम कैसे लगता है? नींद में स्नोरिंग बहुत लाउड स्नोरिंग होती थी, ब्लॉक हो जाता है समटाइम्स, फील करता वो है। मुझे फील होता था, उनको तो नहीं, उसको नहीं। हाँ, अब मोना तो मन में थमे जाते हैं, चोकिंग टाइप। हाँ, ऐसा होता था कि चोक हो रहा है, हाँ, या स्नोरिंग इतनी लाउड हो रही थी कि समझ में आता था कि कुछ तो एबनॉर्मलिटी है। और वो सब चीज़ तभी आवाज आती थी, स्कैरी लगती थी वो, ऐसा मतलब इतना ब्लॉक हो गया था। हाँ, ये कुछ तो एबनॉर्मल था, बेसिकली फाइटिंग ड्यूरिंग स्लीप, फाइटिंग करता है। यस, एग्जैक्टली, स्मूथ स्लीप के जगह फाइटिंग चलता है। हाँ हाँ, एग्जैक्टली, आप बोल सकते हैं एकदम। अच्छा, अभी कैसे आप लगा? आप सर ऑपरेशन के बाद से, सर आप समझ रहे हो, 3-4 दिन के बाद से मेरे को बेटर फील होने लग गया था थोड़ा बहुत। जो आप पहले से, सबसे बेस्ट पार्ट क्या, पहले से बता दिए थे कि मेरे साथ क्या होने वाला है। स्टेप आज पहला दिन ये होगा, दूसरा दिन ये होगा, तीसरा दिन ये होगा, चौथा दिन ऐसा होगा, तो हम लोग उस चीज़ के लिए प्रिपेयर था, तो उतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, प्रॉब्लम हुआ भी नहीं। और डेली हमको भी फील हो रहा था कि आज मेरा ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आज ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है, आज ये इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और आज लाभ 22nd के बाद आज मैं करा रहा हूँ, 1 महीने के बाद तो मेरा नींद वींद सब एकदम नॉर्मल हो गया। अब हमको पहले तो इतना आदत था सोने का, हम बैठे बैठे बोर हो जाता कि अब क्या करें दिन भर, अब हम लोगों को घुमाने ले जा रहे हैं ना। बेसिकली मेन प्रॉब्लम इज द ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया के बाद ना, वो ऑल टाइम वो पेशेंट ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया का पेशेंट ऑल टाइम स्लीपी लगता है, एनर्जी लेस, बेसिकली ऑक्सीजनेशन कम होता है ना, रात में प्रॉपर स्लीप नहीं होता है। जब प्रॉपर स्लीप होगा 6 आवर्स मीन्स फ्रेश ना, हम लोग तो सोचता ही नहीं है दिन में नींद आएगा, बट वो लोग बेसिकली ऑल टाइम स्लीपी, बेसिकली प्रॉपर स्लीप नहीं होता है एकदम सर। देखो ये जो सब लोग बोलता है विदाउट डॉक्यूमेंटेशन विदाउट डायग्नोसिस वो सी पैप लगाने बोलता है ना, हम लोग बट दैट इज दैट इज द नॉट ए प्रॉपर टेक्निक। हम लोगों को बहुत सजेशन मिला सी पैप लगाने के लिए, लेकिन हम लोगों ने एक दो डॉक्टर से और कंसल्ट किया, बट बाद में जिस आपके लिए जब बताया तो बोला एकदम जो बोल रहे हो करा लो आंख बंद करके, कोई इसमें सोचने का भी नहीं। वरना हम लोग भी सीपैप के लिए पहले सोच रहे थे, फिर अब मुझे लग रहा है कि हम बहुत अच्छा किए कि ये डिसीजन लिए। ना बेसिकली देखो सीपैप तो रात में चलेगा ना, बट वो अल्टीमेट तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, बाद दिन में ये सब जो ब्लॉक ऑब्स्ट्रक्टिव, दिस द स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन इज देयर ना, वो तो आप डायनेमिक ऑब्स्ट्रक्शन भी था गोला में, बट वो ऑब्स्ट्रक्शन करेक्ट हो तो लाइफ डिफरेंट हो जाएगा ना ऑल टाइम के लिए। बारसी पे बाद लगेगा, कल में ट्रेन में, कल में कैसे चलेगा, वो ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा, लेके कैरी करना मेरे लिए पॉसिबल भी नहीं था, इरिटेटिंग एंड आल्सो स्टैटिक ऑब्स्ट्रक्शन रहेगा तो प्रेशर ज्यादा हो जाता है सी पे में, हेडेक होता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया ऑपरेशन के बाद। यस, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट, बीपी एंड शुगर लेवल दो कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर मेरा कम हो गया 120 पे 80 आ गया, हम अपना जिंदगी में कभी ब्लड प्रेशर 120 पे कभी नहीं आया, मतलब बेसिकली नॉर्मल लाइफ हो गया, दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, बिलीव किया उसके लिए। थैंक यू सो मच सर।